तो प्राइमरी सस्पेंशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेन में दो तरीके का सस्पेंशन सिस्टम होता है, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है। अब ये प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम और सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम दोनों में सिंपल सा डिफरेंस क्या होता है? जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, बोगी के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसे सस्पेंशन जो कि सिर्फ और सिर्फ बोगी में ही लगे हो, तो ऐसे जो सस्पेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन का अगर हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर जैसे कि ये फिगर में हमें ये डैम्पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो डैम्पर है ये है प्राइमरी सस्पेंशन। इसे हम लोग प्राइमरी सस्पेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म। अभी इसे स्विंग आर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेसिकली आर्म होता है और ये स्विंग कर रहा होता है, इसलिए ये रीज़न की वजह से इसको बोला जाता है स्विंग आर्म। अब ये स्विंग आर्म और जो बोगी का जो साइड बीम है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो पार्ट है बोगी का, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कौन सा, ये डैम्पर। तो जो डैम्पर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली ये स्विंग आर्म और ये जो बोगी फ्रेम है दोनों के बीच में लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी डैम्पर या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्प्रिंग हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो स्प्रिंग है अगेन ये स्विंग आर्म के बीच में और ये बोगी फ्रेम के बीच में लगी है, राइट। तो अगेन ये जो स्प्रिंग है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, और ये जो स्विंग आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्विंग आर्म। तो जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है ये ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लगा होता है, बोगी के दो पार्ट्स के बीच में लगा होता है। बोगी के दो पार्ट्स के बीच में जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम। अभी बोगी और कार बॉडी दोनों के बीच में जो सस्पेंशन सिस्टम लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। तो सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि बोगी और कार बॉडी के बीच में लगा होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन। यहाँ पर ये इसको हम लोग सेकेंडरी सस्पेंशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमें जो बोगी जो दिखाई दे रही है, ये बोगी और ये कार बॉडी दोनों के बीच में यहाँ पर ये लगा है सस्पेंशन सिस्टम, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। अभी यहाँ पर ये जो सस्पेंशन जो लगा है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एयर स्प्रिंग होती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, एयर फिल होती है। अभी यहाँ पर ये जो एयर फिलिंग है, ये जो एयर स्प्रिंग है, एयर स्प्रिंग इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक और एक नाम होता है एयर सस्पेंशन बेलो, एक और एक नाम से इसे जाना जाता है। अभी यहाँ पर ये जो एयर सस्पेंशन बेलो होता है इसका काम क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग डिस्कशन करें, ये जो एयर सस्पेंशन बेलो होता है वो क्या करता है, जो ट्रेन की जो कोच है उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसे मेंटेन रखता है। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जो ट्रेन है उसके राइट साइड में, ट्रेन के दो साइड हो गए, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड में डोर होगा राइट साइड में डोर होगा। तो मान लेते जो राइट साइड का जो डोर है वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स आके खड़े हो गए, और जो लेफ्ट साइड का डोर है वहाँ पर बहुत कम पैसेंजर है। तो ऐसे केस में कहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा, राइट साइड में ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ज़्यादा लोड राइट साइड की तरफ बनेगा, जिसकी वजह से ट्रेन राइट साइड में झुक जाएंगी। तो ये डिज़ायरेबल है, ये अनडिज़ायरेबल है। तो ऐसे केस में जो राइट साइड होगा उसे हमें लिफ्ट करना होगा, तो राइट साइड को लिफ्ट करने के लिए ये जो बेलो है इसमें एयर भरी जाएंगी और ये जो बेलो होगा वो एक्सपांड होगा, जिसके वजह से ट्रेन का जो राइट साइड होगा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करने लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ये है क्या, ये एक तरीके का सेकेंडरी सस्पेंशन। अब ये जो बेलो में जो एयर भरेंगी ये बेसिकली ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली एक सेंसर लगा होता है जो कि क्या कर रहा होता है, सेंस कर रहा होता है और अकॉर्डिंगली जो एयर होता है उसे ट्रांसमिट कर रहा होता है बेलो में वाया लेवलिंग वाल्व। यहाँ पर ये जो वाल्व जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग वाल्व, जो कि बेलो में एयर को फिल करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम। सिमिलरली एक और एक सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो है ये जो डैम्पर है ये भी सेकेंडरी डैम्पर है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये ट्रेन की बोगी और जो कार बॉडी है दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डैम्पर है इसको भी हम लोग सेकेंडरी डैम्पर बोलेंगे, राइट, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम बोलेंगे। तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम, सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम हमें समझ में आ गया। जो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम होता है ये ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, बोगी के दो पार्ट्स के बीच में कनेक्टेड होता है, और जो सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम होता है ये ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कि बोगी और कार बॉडी के बीच में कनेक्टेड होता है, राइट। तो यहाँ पर अभी हमें बात करना है प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला यहाँ पर ये बोगी में अगर हम लोग देखें, ये बोगी में हमें ये वाला जो फ्रेम जो दिखाई दे रहा है बोगी का ये वाला जो फ्रेम है, ये कौन सी असेंबली है, साइड बीम असेंबली है, एंड बीम असेंबली, या फिर क्रॉस बीम असेंबली है। तो यहाँ पर ये वाली जो असेंबली है इसको हम लोग बोलते हैं साइड बीम असेंबली। अभी ये पूरी जो असेंबली है ये है साइड बीम असेंबली। अब ये साइड बीम असेंबली के साथ यहाँ पर ये जो लगा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म। अभी जो स्विंग आर्म होता है ये स्विंग कर रहा होता है फ्लेक्सिबली, तो ये रीज़न की वजह से जो आर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग आर्म।
अभी यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है, ये स्विंग आर्म और यहाँ पर ये जो बोगी फ्रेम हमें जो दिखाई दे रही है, ये स्विंग आर्म और जो बोगी की जो साइड बीम असेंबली है दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती है। और ये जो स्प्रिंग होती है कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग होती है, मतलब एक इनर स्प्रिंग होती है और एक आउटर स्प्रिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है कौन से सस्पेंशन सिस्टम में आई, प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में आई। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें जो स्प्रिंग है वो लगी होती है, एक इनर स्प्रिंग होती है, एक आउटर स्प्रिंग होती है, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्विंग आर्म लगा होता है। तो ये जो स्प्रिंग है कौन से सस्पेंशन सिस्टम में आ गई, ये प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में आ गई। और एक फिगर कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है स्विंग आर्म, यहाँ पर ये है ट्रेन का व्हील, यहाँ पर ये है एक्सल बॉक्स, और यहाँ पर ये है डैम्पर। ये कौन सा डैम्पर है, वो प्राइमरी डैम्पर है या फिर सेकेंडरी डैम्पर है, प्राइमरी सस्पेंशन है सेकेंडरी सस्पेंशन है, ये प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम है। इसको प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली बोगी के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कौन से वो दो पार्ट्स है, जो साइड बीम असेंबली और जो स्विंग आर्म है दोनों के बीच को, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये डैम्पर। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें प्राइमरी सस्पेंशन में किसके बारे में बात करना है, डैम्पर के बारे में या फिर स्प्रिंग के बारे में, तो स्प्रिंग के बारे में बात करना है। प्राइमरी सस्पेंशन के पूरे स्प्रिंग के कॉम्पोनेंट्स के बारे में हमें बात करना है, राइट। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ऊपर की तरफ लगा होता है इंसुलेटिंग पैड, ये इंसुलेटिंग पैड लगा होता है, मतलब यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है किस तरीके से लगी होती है, किस तरीके से अलाइन होती है, कौन से पार्ट्स के ऊपर ये स्प्रिंग लाया कर रही होती है, उसी के बारे में बात करना हमें यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें फिगर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, इसी के बारे में हमें बात करना है, राइट। यहाँ पर एक और एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, स्विंग आर्म का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जी स्विंग आर्म में, अगर हम लोग देखें हमें दो पार्ट मिल रहा है, कुछ इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट जहाँ पर कुछ इस तरीके से स्प्रिंग रखी है, और नीचे वाला पार्ट। अब जो नीचे वाला जो पार्ट है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जो नीचे वाला जो पार्ट होगा बोगी के साइड बीम के साथ कनेक्टेड होगा, साइड फ्रेम के साथ कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग के बारे में हमें बात करना है स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा इंसुलेटिंग पैड। ऊपर की तरफ जो पैड हमें जो दिखाई दे रहा है वो है इंसुलेटिंग पैड। अब ये इंसुलेटिंग पैड के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ग्रीन जैसा जो दिखाई दे रहा है, ग्रीन जैसा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्प्रिंग गाइड। दो तरीके के स्प्रिंग गाइड होते हैं, अपर स्प्रिंग गाइड होता है, लोअर स्प्रिंग गाइड होता है। जो लोअर स्प्रिंग गाइड होता है ये स्विंग आर्म के ऊपर जस्ट रखा होता है, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर ये जो लोअर स्प्रिंग गाइड है नीचे ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर स्प्रिंग गाइड। अभी जो लोअर स्प्रिंग गाइड होता है ये स्विंग आर्म के ऊपर जस्ट रखा होता है, ये जो स्विंग आर्म असेंबली है, ये स्विंग आर्म असेंबली के ऊपर जस्ट लोअर स्प्रिंग गाइड रखा होता है। अभी ये लोअर स्प्रिंग गाइड के ऊपर क्या लगा होता है, इलास्टिक स्टॉप लगा होता है। अभी जो इलास्टिक स्टॉप के ऊपर क्या लगा होता है, अपर स्प्रिंग गाइड लगा होता है, राइट। तो लोअर स्प्रिंग गाइड, इलास्टिक स्टॉप, फिर उसके बाद अपर स्प्रिंग गाइड, राइट। तो ये हमें पूरा मिल गया एक पार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्प्रिंग गाइड होता है, अपर स्प्रिंग गाइड और ये लोअर स्प्रिंग गाइड, इसके ऊपर पहली वाली स्प्रिंग लगी होती है जिसको बोला जाता है इनर स्प्रिंग, राइट। यहाँ पर ये अपर स्प्रिंग गाइड और यहाँ पर ये लोअर स्प्रिंग गाइड, जब दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगा स्प्रिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पर ये अपर स्प्रिंग गाइड और लोअर स्प्रिंग गाइड दोनों के ऊपर पहली वाली स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनर स्प्रिंग। अभी जो इनर स्प्रिंग होती है इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर स्प्रिंग। तो इनर स्प्रिंग के बाहर आउटर स्प्रिंग लगी होती है, राइट। तो यहाँ पर ये अपर गाइड और जो लोअर गाइड है दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक स्टॉप, और ये अपर गाइड और लोअर गाइड के ऊपर इनर स्प्रिंग लगी होती है, और इनर स्प्रिंग के ऊपर जो स्प्रिंग लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर स्प्रिंग, राइट। फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग पैड। और डिटेल में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पर ही हमें कुछ इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, स्विंग आर्म दिखाई दे रहा है। अभी जो स्विंग आर्म है, ये स्विंग आर्म के ऊपर कुछ इस तरीके से रबर कुशन लगा होता है जिसको हम लोग रबर पैड भी बोल सकते हैं, राइट। अभी जो रबर कुशन है, रबर कुशन के ऊपर क्या लगा होता है, कुछ इस तरीके से लोअर स्प्रिंग गाइड लगा होता है, ये लोअर स्प्रिंग गाइड लगा होता है। लोअर स्प्रिंग गाइड के ऊपर क्या लगा होता है, इलास्टिक स्टॉप लगा होता है, राइट। अब ये इलास्टिक स्टॉप के ऊपर क्या लगा होता है, अपर स्प्रिंग गाइड लगा होता है, और अपर स्प्रिंग गाइड के ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेटिंग पैड लगा होता है, राइट। तो इंसुलेटिंग पैड, फिर अपर स्प्रिंग गाइड, इंसुलेटिंग पैड, फिर उसके बाद अपर स्प्रिंग गाइड, फिर उसके बाद इलास्टिक स्टॉप, फिर उसके बाद लोअर स्प्रिंग गाइड, फिर उसके बाद अगेन नीचे क्या लगा होता है, रबर कुशन लगा होता है।
अभी यहाँ पर ये जो अपर स्प्रिंग गाइड और जो लोअर स्प्रिंग गाइड है उसी के ऊपर पहली वाली स्प्रिंग लगी होती है, जो कि कौन सी स्प्रिंग लगी होती है, इनर स्प्रिंग लगी होती है। इनर स्प्रिंग के ऊपर कौन सी स्प्रिंग लगी होती है, आउटर स्प्रिंग लगी होती है, राइट। और जो आउटर स्प्रिंग है उसके अंदर इनर स्प्रिंग बेसिकली आती है। तो यहाँ पर हमने बात किया, सबसे पहला क्या होगा, ऊपर की तरफ इंसुलेटिंग पैड होगा, फिर अपर स्प्रिंग गाइड होगा, फिर उसके बाद इलास्टिक स्टॉप होता है, फिर उसके बाद लोअर स्प्रिंग गाइड होता है, फिर रबर कुशन होता है, फिर उसके बाद ये स्विंग आर्म आता है। फिर उसके बाद जो अपर स्प्रिंग गाइड और जो लोअर स्प्रिंग गाइड है उसके ऊपर इनर स्प्रिंग लगी होती है, इनर स्प्रिंग के बाहर कौन सी स्प्रिंग लगी होती है, आउटर स्प्रिंग लगी होती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, हमारे पास होता है वर्टिकल डैम्पर। अभी जो वर्टिकल जो डैम्पर होता है ये बेसिकली प्राइमरी डैम्पर होता है, इसको प्राइमरी सस्पेंशन बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली बोगी के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बोगी के दो पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्विंग आर्म है, ये वर्टिकल डैम्पर हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म है इसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है कुछ इस तरीके से, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लैंपिंग हुप बोला जाता है। तो ये जो स्विंग आर्म है, स्विंग आर्म का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है लोअर क्लैंपिंग हुप। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है स्विंग आर्म का, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है बॉटम स्ट्रैप, या फिर वही उसके ओरिजिनल नाम से हम लोग बोल सकते हैं स्विंग आर्म, राइट। तो ये है हमारा स्विंग आर्म, और ये स्विंग आर्म का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये एक ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लैंपिंग हुप, उसको बोला जाता है लोअर क्लैंपिंग हुप। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी यहाँ पर हमने जो पार्ट्स के बारे में जो बात किया वो थे बेसिकली वर्टिकल पार्ट्स। ये जो स्विंग आर्म है उसके साथ वर्टिकल पार्ट्स लगे थे, राइट। अभी ये जो स्विंग आर्म है इसके हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्विंग आर्म का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट के जस्ट बाद कौन सा वाला पार्ट लगा होता है, इलास्टिक बुशिंग लगा होता है, कुछ इस तरीके से इलास्टिक बुशिंग राइट हैंड साइड में भी लगा होगा, उस तरफ भी लगा होगा इलास्टिक बुशिंग, राइट। अभी जो इलास्टिक बुशिंग है यहाँ पर, ये वाले पार्ट के जस्ट बाजू इलास्टिक बुशिंग यहाँ पर भी लगा है, और जो इलास्टिक बुशिंग है यहाँ पर भी लगा है। अभी जो इलास्टिक बुशिंग है, इलास्टिक बुशिंग के बाद क्या लगा होता है, इलास्टिक बुशिंग के बाद लगा होता है रबर कुशन। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रबर कुशन लगा है, और एक जो रबर कुशन है वो हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रबर कुशन। अभी जो रबर कुशन है उसके बाद क्या लगा होता है, सपोर्ट वॉशर लगा होता है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट वॉशर, और उसके अपोजिट साइड में भी क्या लगा होगा, सपोर्ट वॉशर लगा होगा, राइट। तो अगर हम लोग देखें जो स्विंग आर्म, ये वाला जो पार्ट होता है इसमें सबसे पहला इलास्टिक बुशिंग लगा होता है, इलास्टिक बुशिंग के बाद लगा होता है, जैसे कि हमने बात किया, रबर कुशन लगा होता है, इलास्टिक बुशिंग के बाद रबर कुशन लगा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, रबर कुशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लगा होता है इलास्टिक बुशिंग, रबर कुशन, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मंचन कोन बोला जाता है, कुछ इस तरीके से मेरा प्रोनाउंसिएशन आई गेस अगर मैच नहीं कर रहा हो जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मंचन कोन। तो यहाँ पर ये जो मंचन कोन होता है ये लगा होता है कुछ इस तरीके से, एक पार्ट यहाँ पर लगा होता है और एक जो पार्ट होता है मंचन कोन का वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है। तो मंचन कोन को अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से हमें मंचन कोन दिखाई देता है, राइट। मंचन कोन या फिर मंचन कोनिक, ये कोन के फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मंचन कोन, राइट। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से क्या लगा है, मंचन कोन, यहाँ पर ये कोन जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंचन कोन। तो सबसे पहला यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया, जो वर्टिकल पार्ट है वहाँ पर क्या क्या लगा होगा, जो स्विंग आर्म है इसका एक हमें वर्टिकल पोजीशन मिलेगा, और वर्टिकल पोजीशन में क्या क्या पार्ट है, जैसे कि हमने बात किया प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम है, और दूसरा हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमें क्या क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जैसे कि हमने बात किया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सबसे पहले हमें इलास्टिक बुशिंग मिलेंगी, इलास्टिक बुशिंग के बाद रबर कुशन मिलेगा, रबर कुशन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सल कोन, क्या मिलेगा, एक्स कोन मिलेगा या फिर बोल सकते हैं मंचन कोन, राइट। कुछ इस तरीके से मंचन कोन या फिर एक्स कोन, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक। फिर उसके बाद मंचन कोन के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेसिकली नट बोल्ट अरेंजमेंट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से नट बोल्ट अरेंजमेंट मिलेगा। ये जो इलास्टिक बुशिंग है उसके बाद क्या लगा होता है, सपोर्ट वॉशर लगा होता है, सपोर्ट वॉशर के बाद लगा होता है मंचन कोन, राइट। तो पहला जो है वो इलास्टिक बुशिंग के बाद होता है रबर कुशन, राइट। इलास्टिक बुशिंग के बाद होता है रबर कुशन के बाद होता है सपोर्ट वॉशर के बाद होता है मंचन कोन के बाद लगा होता है नट बोल्ट अरेंजमेंट। तो यही है बेसिकली प्राइमरी सस्पेंशन के कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर हमने बात किया प्राइमरी सस्पेंशन के कॉम्पोनेंट के बारे में।
यहाँ पर थोड़ा सस्पेंशन सिस्टम के बारे में लिखा है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बोगी सस्पेंशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ स्विंग आर्म। स्विंग आर्म के कितने सेट्स मिलेंगे? 4 सेट्स हमें मिलेंगे, राइट। स्विंग आर्म टाइप प्राइमरी सस्पेंशन, राइट। ये जो स्विंग आर्म जो है ये भी एक तरीके का क्या है, प्राइमरी सस्पेंशन है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा होता है, स्विंग कर रहा होता है। और जो मैकेनिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, हमारे सिस्टम में कोई भी चीज़ अगर फ्लेक्सिबल होगी ना, चाहे बोगी होने दो या फिर कैंटिलीवर होने दो, कोई भी जो फ्लेक्सिबल चीज़ें होती है वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस को एब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्विंग आर्म है ये भी फ्लेक्सिबली मूव कर रहा है, तो ये भी मैकेनिकल वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर सकता है। तो ये किस में आ गया? सस्पेंशन सिस्टम में आ गया। ईच असेंबली इज कंप्राइज ऑफ 2 कोएक्सियल स्टील स्प्रिंग। जैसे हमने बात किया, 2 कोएक्सियल स्टील स्प्रिंग मिलेंगी। इनर स्प्रिंग इज राइट हैंड साइड एंड द आउटर स्प्रिंग इज लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि हमने बात किया, इनर स्प्रिंग 2 कंसेंट्रिक स्प्रिंग मिलेंगी। देर इज़ 1 वर्टिकल रबर स्टॉप इलास्टिक स्टॉप एट द सेंटर ऑफ द स्प्रिंग। जैसे हमने बात किया, जो स्प्रिंग का जो सेंटर होता है वहाँ पर हमें क्या मिलता है? रबर स्टॉप मिलता है। जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर ये इलास्टिक स्टॉप होता है, ये जो इलास्टिक स्टॉप होता है ये बेसिकली स्प्रिंग के सेंटर में लाया कर रहा होता है। द पोजिशनिंग स्विंग आर्म इज कनेक्टेड टू द फ्रेम नोट माउंट थ्रू एक्सल फ्लेक्सिबल नोट। तो जैसे हमने बात किया, जो पोजिशनिंग जो स्विंग आर्म होता है बेसिकली फ्रेम के नोट के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। फ्रेम के नोट के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब अगर हम लोग देखें ये वाली, अगर हम लोग फिगर कंसिडर करें, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं फ्रेम नोड, फ्रेम नोड बोल सकते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल स्विंग आर्म है ये फ्रेम नोड के साथ कनेक्टेड होता है। और अगर कोई फिगर अगर हमें मिलेगी, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, तो यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम नोड, हाँ। तो ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये जो रेड वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम नोड। अब ये जो फ्रेम नोड होता है इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है? स्विंग आर्म कनेक्टेड होता है। 4 स्विंग आर्म लगेंगे, 1 स्विंग आर्म यहाँ पर लगेगा, 1 स्विंग आर्म यहाँ पर लगेगा, 1 स्विंग आर्म यहाँ पर लगेगा, 1 स्विंग आर्म यहाँ पर लगेगा। 4 स्विंग आर्म लगेंगे और एक जो स्विंग आर्म होता है इसके साथ 2 स्प्रिंग लगी होती है, एक इनर स्प्रिंग और आउटर स्प्रिंग। तो टोटल स्प्रिंग कितनी हो जाएंगी? चारों साइड में टोटल स्प्रिंग जो होगी 8 होगी। ये साइड में 1, 2, ये साइड में 1, 2, ये साइड में 1, 2 और ये एक साइड में 2। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 8 स्प्रिंग हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 स्प्रिंग हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कशन किया गया, द स्विंग आर्म एंड लोअर क्लैंपिंग हुप आर यूज इन टैंडम टू फास्टन द एक्सल बॉक्स बॉडी ऑन द कार एक्सल व्हील सेट कनेक्शन एंड द फ्रेम। तो जैसे हमने बात किया, जो स्विंग आर्म क्लैंपिंग हुप है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? ये बेसिकली जो एक्सल बॉक्स होता है और जो व्हील सेट होता है उसको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो जो एक्सल बॉक्स और जो व्हील सेट है, जो स्विंग आर्म लोअरिंग क्लैंपिंग हुप है ये क्या करता है? बेसिकली जो एक्सल बॉक्स और जो व्हील सेट है उसे कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसे पूरी तरीके से क्लोज्ड करके रख देता है, पूरी तरीके से एनक्लोज्ड करके रख देता है, जिसके वजह से जो एक्सल बॉक्स और जो व्हील सेट है वो ये स्विंग आर्म को छोड़ के, मतलब स्विंग आर्म से निकल के बाहर नहीं आ पाते। किसके वजह से? ये लोअर क्लैंपिंग हुप के वजह से। सिंपल वर्ड में जो लोअर क्लैंपिंग हुप है, जो एक्सल बॉक्स और जो व्हील है उसे कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस कनेक्शन एंश्योर लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडिनल फोर्सेज आर पास टू रनिंग ट्रैक एंड वर्टिकल लोड्स आर एब्सॉर्ब। एन एडजस्टिंग ब्लॉक इज माउंटेड बिलो द स्टील स्प्रिंग टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द स्प्रिंग एंड एंश्योर प्रॉपर बोगी हाइट। वर्टिकल डैम्पर इज माउंटेड टू डैम्प वाइब्रेशन बिटवीन फ्रेम एंड द एक्सल बॉक्स। तो जैसे हमने बात किया, यहाँ पर जो फ्रेम और जो एक्सल बॉक्स है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल डैम्पर है कहाँ पर लगा है? यहाँ पर ये हमें एक्सल बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एक्सल बॉक्स और ये बोगी फ्रेम, दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से वर्टिकल डैम्पर लगा है। तो यहाँ पर ये एक्सल बॉक्स और ये बोगी फ्रेम, दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से वर्टिकल डैम्पर है, जो कि प्राइमरी डैम्पर है, जो कि क्या करेगा? वाइब्रेशन का जो ऑसिलेशंस होंगे उसे डैम्प करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने बात किया प्राइमरी सस्पेंशन के बारे में, हम लोग आगे बात करेंगे सेकेंडरी सस्पेंशन के बारे में।